में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में। आप जानते हैं कि एक समय था जब हैजा यानी कॉलरा की बीमारी महामारी की तरह आती थी। इसकी चपेट में आकर पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे गांव मौत के काल में समा जाया करते थे। हालांकि अब हमारे देश में उस तरह के हालात तो नहीं बनते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल साइंस ने कॉलरा की बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। मनुष्यों के मल से दूषित जल तथा खान पान की चीजों से होने वाला कॉलरा आज भी एक घातक बीमारी के रूप में अपना जाल बिछाए हुए है। अगर आज कॉलरा के केसेस पहले के मुकाबले कम हो गए हैं, तो इसका कारण है लोगों में आई जागरूकता। आज लोग साफ सफाई का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखते हैं, पर यही काफी नहीं है। हमें साफ सफाई की आदतें और गंदगी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता को उन लोगों तक भी पहुँचाना होगा जो या तो मजबूरी में या फिर जानकारी के अभाव में कॉलरा का शिकार हो जाते हैं। कॉलरा किन कारणों से होता है, इसके लक्षण और किस तरह से इससे बचकर रहा जा सकता है, हमारे इस एपिसोड में ये पूरी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर श्रुति सूद। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति सूद आपका हमारे शो में दोबारा स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कॉलरा के बारे में। कॉलरा की बीमारी डायरिया या पेचिस करती है, जो कि बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा की वजह से होता है। विब्रियो कॉलरा के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, जिसमें से स्ट्रेन विब्रियो कॉलरा O1, जिसे क्लासिकल स्ट्रेन भी माना जाता है, महामारी फैलाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक विश्व भर में हर साल 40 लाख कॉलरा के केसेस सामने आते हैं। हमारे देश में पहले कॉलरा केवल वेस्ट बंगाल में देखा जाता था, मगर 1964 की महामारी के बाद ये पूरे देश में फैल गया। कॉलरा का कीटाणु इंसानों को दो तरह से प्रभावित करता है। एक तरफ तो वो डायरिया की तकलीफ से पेचिस द्वारा इन्फेक्शन का रास्ता बनाता है, और दूसरी तरफ प्रभावित व्यक्ति में बीमारी ना फैलाकर उनके जरिए दूसरों में इन्फेक्शन फैलाता है। कॉलरा की बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, खासकर जिन लोगों में इम्यूनिटी काफी कम होती है, वहाँ पे मौत का डर भी बना रहता है। जब कभी भी लोग बड़े समूह में यात्रा के लिए या फिर घूमने के लिए निकलते हैं, तब स्वच्छता के अभाव से कॉलरा की इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। कॉलरा के लक्षण यानी पेचिश और उल्टी को लोग बदहजमी का केस समझकर अक्सर लापरवाही बरत जाते हैं, बल्कि अक्सर तो ये भी सोचकर इलाज नहीं कराते कि पेट साफ हो जाने पर पेचिश आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। उनकी ये सोच मरीज को खतरे में डाल सकती है, और ये खतरे किस तरह के हो सकते हैं, डॉक्टर सूद हमें बता रही हैं। कॉलरा के अधिकतर केसेस स्लम एरियाज में पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा का अभाव होने से वो लोग अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते। उपयुक्त शौचालय की कमी से, खुले में शौच करने से कॉलरा के कीटाणु आसानी से मिट्टी और पानी में मिलकर इन्फेक्शन करते हैं। इस स्टेज पे अगर मरीज का सही रूप से इलाज नहीं हो पाता है, तो किडनी फेलियर की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। कॉलरा के इलाज में सबसे जरूरी है हाइड्रेशन थेरेपी। माइल्ड केसेस में ORS को पानी में घोल कर दिया जाता है। जब केस गंभीर हो तो हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद IV थेरेपी दी जाती है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग वॉमिटिंग के बंद होने पर दिया जाता है। कॉलरा की रोकथाम के लिए मार्केट में वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, जो डिजीज के फैलने पर ले लेनी चाहिए। कॉलरा की बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सब साफ पानी का उपयोग करें। अगर आपके एरिया में पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इस्तेमाल के पानी को या तो उबालें या फिर उसे क्लोरीनेट करें। आप सभी से अनुरोध है कि खुले में शौच ना करें। कोशिश करें कि अपने घर के अंदर, नहीं तो बाहर, शौचालय ज़रूर बनवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता ही है, और कॉलरा का समाधान तो आपके अपने हाथों में है। बस वो तरीके अपनाने की जरूरत है जो डॉक्टर श्रुति ने हमें यहाँ पर बताए हैं। साफ सफाई को लेकर अपनी आदतें बदलें, अपनी सोच बदलें, खुद में थोड़ा सा बदलाव लाकर आप कॉलरा ही नहीं कई दूसरी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। ना ना, चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम भी आपके लिए काम का हो सकता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए चैनल वेलनेस।